तो ये वीडियो है कंटिन्यूएशन ऑफ ए प्रीवियस वीडियो जहां मैंने कुछ बॉलीवुड पोस्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आप लोग के रिकमेंडेशन में ये वीडियो पहले आया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पार्ट वन का लिंक है, आप लोग जाके वो भी देख सकते हो, ये वीडियो देखने के बाद भी देख सकते हो, ये वीडियो देखने के पहले भी देख सकते हो, कोई उतना मैटर नहीं करता है। सो दिस इज ग्राफिक डिजाइनर रिएक्ट्स टू हिंदी मूवी पोस्टर्स पार्ट टू। फिर उसके बाद आते हैं एक और मास्टरपीस में जो मुझे बहुत अच्छा लगा था पोस्टर, वो है ये। तो देखिए ये पोस्टर ना आप ऐसे ही नहीं क्रिएट कर सकते, इसके लिए आपको सिमेट्री एंड पर्सपेक्टिव का पूरा नॉलेज होना पड़ेगा। मतलब आप जो बोलते हैं ना घोल के पी गए, वो वाला चीज़ है। क्योंकि अगर मैं इस पोस्टर में आपको लाइन खींच के दिखाऊं तो आपको पूरा पर्सपेक्टिव दिखेगा कि हाउ परफेक्ट दिस पर्सपेक्टिव इज। एंड इन टर्म्स ऑफ कलर ना, अगर आप मुझे पूछोगे कि मेरा फेवरेट कलर क्या है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एज ए पर्सन, मतलब एज ए ह्यूमन बींग, द कलर दैट अट्रैक्ट्स मी मोस्ट इज रेड। क्योंकि मुझे रेड कलर की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है एंड वो मुझे मतलब थोड़ा डिस्टिंक्टिव लगती है, वो मेरा मे बी मेरा फेवरेट कलर उसी को बोलते हैं। बट एज ए ग्राफिक डिजाइनर जब मैं डिज़ाइन करता हूँ या फिर द कलर आई एम मोस्ट कंफर्टेबल डिजाइनिंग विथ इज येलो। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में मुझे येलो यूज़ करके मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि वो बहुत एक ईजी कलर है, आप किसी भी चीज़ को कॉन्ट्रास्ट करना ईजी होता है येलो में। एंड येलो में इनफैक्ट येलो चीज़ भी अच्छी लगती है, इट बिकम्स वेरी ब्राइट एंड एनर्जेटिक। सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी ग्रेट थिंग अबाउट येलो। और इस पोस्टर में येलो का डोमिनेंस तो आपको दिखता ही है। सो इनहेरेंटली मेरे ग्राफिक डिजाइनर को ये पोस्टर वैसे ही अच्छा लगता है। एंड ऊपर से मैंने इस पोस्टर को इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि शेडो का जो काम होता है, अगर मैं जूम करके आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो वही चीज़ देखिए, यहाँ पे दो शेडोज़ हैं, एक एकदम अंदरनीथ, हर चीज़ के अंदरनीथ जो शेडो रहता है, एंड सराउंडिंग डिरेक्शनल शेडो। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से यूज़ हुआ है। ऑब्वियसली ये शेडो फेक है, इसको बाद में क्रिएट किया गया है। एंड ये जो ब्लड स्टेन से अंधाधुन लिखा गया है, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट कि आप एक फॉन्ट को कैसे मैनिपुलेट करोगे इन परस्पेक्टिव, कि वो फिर जाके वहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है, ब्लड स्टेन वहाँ पे करना है। एंड जब भी आप किसी चीज़ को पर्सपेक्टिव में लाते हो फोटोशॉप में, उस चीज़ को बोलते हैं स्क्यू करना, कि आप किसी चीज़ को स्क्यू कर रहे हो। एक टेक्स्ट को जब आप स्क्यू करते हो तो हमेशा ना उसका रीडेबिलिटी थोड़ा हैम्पर हो जाता है। एंड यहाँ पे उन लोगों ने जितना भी पढ़ने वाली चीज़ है उसको स्क्यू करके पर्सपेक्टिव में रखा है वाइल मेकिंग इट रीडेबल। तो यहाँ पे फॉन्ट सिलेक्शन क्या होगा, कलर क्या रहेगा, किस सेंटेंस को कहाँ पे तोड़ेंगे, किस फॉन्ट को कैसे रखेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सोच समझ के की गई है। एंड ऑल दैट थिंग्स मेक दिस पोस्टर ए वेरी 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 गुड पोस्टर। बट एट द सेम टाइम जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो मुझे ना इस मूवी के ट्रेलर्स को देख के उतना एक्साइटमेंट हुआ नहीं था, बहुत ऐसे इंडी मूवी टाइप का लग रहा था। बट जब मूवी मैंने देखा तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी मूवी है। फिर उसके बाद मैं एक पोस्टर दिखाऊंगा जिसका कोई रीज़न नहीं है दिखाने का, मेरा मतलब ऐसा कोई मुझे वहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं, बट दिखा रहा हूँ इसका एक पर्पज़ है, मैं आपको बताऊँगा। सो दैट पोस्टर इज दिस। और जब हम लोग इस पोस्टर के बारे में बात करते हैं ना तो इंस्टेंट आपको पता चल जाता है कि दिस इज़ फ्रॉम 80s। वो क्यों होता है, तो बेसिकली क्या था कि जब 70s 80s ये जो ज़माना था, जो रेट्रो ज़माना था, उस टाइम पे डिजिटाइजेशन ऑफ थिंग्स आर नॉट दैट ईजी। कि आजकल जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को डिजिटाइज कर देते हैं कि इस स्लिप का फ़ोटो खींच कर रख दो बाद में काम में आ सकता है, तो उस टाइम पे वो इतना ईजी नहीं था। एंड जो डिजिटाइज करते भी थे तो बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स, बहुत सारे फिक्सिंग्स, बहुत सारे प्रोसेस होते थे। उस टाइम पे रील्स में चीज़ें होती थी एंड जब आप रील्स को डेवलप करते हो, उसको डिजिटाइज करते हो, तो उसमें से इन्फॉर्मेशन लॉस होता था। व्हाइल वी टॉक अबाउट इन्फॉर्मेशन इन ए पिक्चर इज़ कॉल्ड डिटेल्स, कि एक पिक्चर में कितनी डिटेल है। तो अगर आपको एक 80s का एक फ़ोटोशूट अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको ना उस फोटो में से डिटेल्स को हटाना पड़ेगा। एंड अगर आप लोग इस फोटो को देखोगे तो यहाँ पे अगर स्किन टोन्स को देखा जाए या फिर कुछ भी देखा है तो कहीं पे भी कुछ भी डिटेलिंग नहीं है, वहाँ बहुत प्लास्टिक ही लगता है। एंड दैट मेक्स इट मोर रेट्रो। यहाँ पे ना उस चीज़ को इसके फॉर में यूज़ किया गया है, इसके अगेंस्ट नहीं। कि हम लोग बोलते हैं ना कि इसी फोटो में अगर डिटेलिंग नहीं है तो वो तो खराब चीज़ होगी, कि इट्स गोइंग अगेंस्ट इट। बट यहाँ पे वही सेम चीज़ इसके फॉर में काम किया है बिकॉज इट वॉज इंटेंशनल। एंड फोटोशॉप में जो सबसे ईजी वे है इस चीज़ को अचीव करने का, वो है सरफेस ब्लर। आप किसी भी फोटो में जाके सरफेस ब्लर कर दीजिए और आपका पूरा डिटेल्स खत्म हो जाएगा उस फोटो से। ये सब रीज़न नहीं था मुझे इसको ऐड करने का। तो ये अगेन आई एम गोइंग बैक टू दैट ओल्ड कॉन्वर्सेशन की प्लेजरिज्म, कॉपी एंड इंस्पिरेशन। क्योंकि जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब इसके साथ एक और मूवी रिलीज हुई थी
उस मूवी का नाम था देसी बॉयज, और डर्टी पिक्चर वालों ने देसी बॉयज वालों पे केस कर दिया था। उन्होंने बोला था कि देसी बॉयज ने डर्टी पिक्चर से अपने पोस्टर को कॉपी किया है। तो आप लोग अभी देख के बताइए कि एक्चुअली कॉपी किया था कि नहीं किया था, ये आपको कैसा लगता है एज एन ऑडियंस, आपको क्या फील होता है आप मुझे बताइए कमेंट्स में। एंड जैसे ही हम लोग कॉपी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने जो देवडी का पोस्टर दिखाया था उसी पोस्टर को फिर एक दूसरे हॉलीवुड की मूवी ने यूज किया था जिसका नाम था एमोनिट, और ये मूवी 2020 में रिलीज हुई थी। तो अभी आप इसके बारे में भी बोलिए कि आपको क्या लगता है कि ये कॉपी थी या नहीं थी। तो आखिर में जो दो पोस्टर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये बेसिकली दो पोस्टर्स का कंपैरिजन होगा। सो द फर्स्ट पोस्टर इज दिस। तो जब ये पोस्टर निकला था ना, तो मैं इसको देख के पागल हो गया था। मुझे लगा था कि ये इतना इनसेन काम कोई कैसे कर सकता है, क्योंकि जब ये मूवी निकली थी तो फोटोशॉप का आई थिंक 5.5 या फोटोशॉप 5 ही चल रहा था, या फिर फोटोशॉप 6 आ गया होगा, मुझे नहीं पता। बट उस टाइम पे ना क्रिएटिंग डस्ट इन फोटोशॉप वॉज वेरी डिफिकल्ट। हम लोग को डस्ट PNG ढूंढना होता था, फिर उसको ओवरले करना होता था। बट यहाँ पे जितना अच्छे से यहाँ पे डस्ट क्रिएट किया गया है, दिस इज इनसेन। तो मुझे नहीं पता कि ये प्रैक्टिकली नहीं किया गया होगा, मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये प्रैक्टिकली किया गया है। मतलब एक्चुअल डस्ट को फोटो खींच के, मतलब डस्ट से भागते हुए फरहान अख्तर को फोटो खींच के शायद ये नहीं किया गया है, मुझे मेरा जो गेस है इस पोस्टर को लेके। बट डिजिटली जैसे क्रिएट किया गया है बहुत ही कमाल है। एंड मुझे ना ये लुक्स बहुत अच्छे लगते हैं कि देखिए यहाँ पे इस पोस्टर में जो डोमिनेंट कलर है वो है ब्राउन, मिट्टी का कलर। एंड लाइट डजंट रिएक्ट लाइक दिस ऑन अ ह्यूमन बॉडी, लेकिन यहाँ पे ना सेचुरेशन को क्रैंक करके फिर थोड़ा वो जो कॉमिक बुक की फील लाई गई है इस चीज़ में, दैट आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड इसमें ऑब्वियसली मेकअप भी है, फिर इसमें फोटोग्राफी भी है, लाइटिंग भी है, फिर बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग भी है। बट जो चीज़ मैं आपको बोलूँगा वो चीज़ ये है कि फिर से जो मैंने ब्योमकेश बख्शी वाले पोस्टर में बोला था, यहाँ पे भी देखिए भाग मिल्खा भाग। आप किसी भी लेमैन को पूछोगे, किसी भी रेगुलर गाय को पूछोगे जो डिज़ाइनिंग नहीं करता है, फिर डिज़ाइनर नहीं है, तो वो आपको बोल देगा कि लाल से लिखा गया है। बट इतना सिंपल नहीं है, इसमें सिर्फ लाल नहीं है, इसमें लाल के बहुत सारे शेड्स है। अगर आप इसको सिर्फ रेड से लिख देते ना, तो वो ऐसा लगता है कि बस एक टेक्स्ट वहाँ पे डाल दिया गया है, दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द डिज़ाइन। बट ये जो यहाँ पे अलग अलग शेड्स ऑफ रेड से कहीं पे ब्राइट कहीं पे डार्क, दैट मेक्स इट पार्ट ऑफ दिस पोस्टर एंड दैट मेक्स इट वेरी 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 ब्यूटीफुल। मैंने ऐसे ही मतलब इस वीडियो के रिसर्च के लिए ही, आई थिंक लियोनार्डो द विंची ने इस चीज़ को कॉइन किया था कि गोल्डन रेशियो ऑफ नेचर, ये जो चीज़ है ये मुझे कभी समझ में आई नहीं कि इसको क्यों ऐसा बोलते हैं। तो बेसिकली क्या बोलते हैं कि नेचर हर चीज़ को इस रेशियो में ही ड्रॉ करता है, एंड इफ़ यू कैन फॉलो दिस रेशियो इन योर डिज़ाइंस, तो आपका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा आई प्लीजिंग बनेगा। और जब मैं उस रेशियो को इस पोस्टर में डाल के देखा, तो एक्चुअली इस पोस्टर में ना वो रेशियो पूरा फिट हो जाता है समहाउ। पर मुझे इस रेशियो के बारे में उतना नहीं पता, एंड आई नेवर फॉलोड टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई जस्ट ट्रस्ट माई इंस्टिंक्ट कि मेरे अगर आंखों को अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखिए अभी क्या होता है ना, क्या अच्छी है क्या बुरी है ये कोई भी बोल सकता है। तो अगर आपको कोई अच्छी चीज़ क्रिएट करनी आती है, देन यू आर ए प्रो। बट एट द सेम टाइम अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि वो चीज़ क्यों अच्छी है, देन यू आर ए प्रोफेसर। तो आई एम नॉट अ प्रोफेसर, तो मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, बट आई ट्रस्ट माई इंस्टिंक्ट कि अगर ये मुझे दिखने में अच्छा लग रहा है, देन देयर इज समथिंग राइट अबाउट इट, मे बी ऐसा मुझे लगता है। बट इसी पोस्टर के कंपैरिजन में, मतलब ये देखिए यहाँ पे भी एक पोस्टर है जहाँ पे हाईलाइट इज वन कैरेक्टर, ठीक है, विदाउट एनी नॉइस। यहाँ पे नॉइस क्या है, धूल। एट द सेम टाइम अगर हम लोग नेक्स्ट पोस्टर की तरफ जाएंगे, लुक एट दिस पोस्टर, यहाँ पे कितना क्राउड है, कितना केओस है, बट स्टिल फोकस ऑन वन कैरेक्टर। एंड यही है ग्राफिक डिजाइनिंग का मोटो कि डायरेक्टिंग योर ऑडियंसेस अटेंशन, वही एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर का मेन जॉब होता है कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट। मैं जितना इजीली बोल रहा हूँ उतना इजी नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। बट अगर आप तोड़ मरोड़ के मुझे एकदम बेस एक लाइन में डिस्क्राइब करने के लिए बोलोगे, सो दैट इज़ द डिस्क्रिप्शन कि हाउ थिंग्स वर्क, कि अगर मुझे ये बताना है ये डिज़ाइन के थ्रू मैं कैसे बताऊँगा, सो दैट इज़ इट। और यहाँ पे भी देखिए ऑब्वियसली ये क्राउड को बनाया गया है, क्योंकि मैं यहाँ पे रिपीटिंग पैटर्न देख सकता हूँ कि सेम इमेज को ही अलग अलग जगह पे यूज़ किया गया है। सो ऑब्वियसली ये मैनिपुलेटेड क्राउड है, मे बी रियल में रहे होंगे थोड़े लोग, बट जो ये पूरा सी ऑफ पीपल है वो यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जितने भी गिमिक्स होते हैं ना, वो सारे इस पोस्टर में अच्छे से यूज़ हुए हैं टू मेक इट ए गुड पोस्टर। जैसे कलर, लाइट एंड फोकस, ये सारी चीज़ें ना इस पोस्टर में अच्छे से यूज़ हुए हैं। जैसे मैंने बोला था वहाँ पे मिल्खा सिंह अकेले थे With lots of dust, तो वहाँ पे ड्रामा कॉन्ट्रास्ट वो डस्ट से क्रिएट किया गया था, बिकॉज दैट वॉज द स्टोरी।
बट यहाँ पे स्टोरी ये है कि क्राउड के बीच में शी इज शाइनिंग, तो वो इस पोस्टर की कहानी है। बट एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे एक चीज़ भी बोलना चाहूँगा कि आई डोंट नो व्हाई, आप लोग मुझे करेक्ट कीजिए कि इस मूवी में स्पेशली इस मूवी में दीपिका पादुकोण लुक लिटिल डिफरेंट। आई नो शी इज़ अ ब्यूटीफुल वुमन, बट इस मूवी में ना वो बहुत अलग तरीके से अच्छी दिखी। मे बी यूनिब्रो कर दिया था, फिर थोड़ा लिप्स को भी चेंज किया था आई थिंक, बट थोड़ा सा अलग लगा। एंड यही सेम चीज़ ना मैंने अपने एक पुराने वीडियो में भी बोला था, जो अपरिचित धूम 2 वाले जो वीडियो था उसमें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, बट आई थिंक बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया। तो वहाँ पे मैंने एक बात की थी कि अपरिचित के सीन के बारे में, कि उसका सिर्फ हाफ फेस को लेके उसको कैसे मतलब आप कंप्लीट करोगे। तो बहुत लोगों ने बोला था कि ये तो ईजी है, क्लोन स्टम्प से हो जाएगा, चेहरे को सिर्फ फ्लिप कर दो तो हो जाएगा। सी, फेस को क्रिएट करना इज ईजी, कि मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि हम लोग फेस को क्रिएट नहीं कर सकते या फिर एक AI फेस को एनहांस करके क्रिएट नहीं कर सकता, ये मैंने कभी नहीं बोला। मैंने बोला था फेशियल रिकंस्ट्रक्शन, कि आप कैसे दिखते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, ये मेरा एक फोटो है, ठीक है, आई लुक लाइक अ ड्रग डीलर, बट वो पॉइंट नहीं है। ये मेरा एक फोटो है एंड नोबडीज फेस, मतलब आई थिंक दुनिया में 6 या 7% लोग ही हैं जिनका फेस सिमेट्रिकली परफेक्ट है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट किसी का भी फेस कभी परफेक्ट नहीं होता। तो जैसे कि मैं ये हूँ, ठीक है, और इस मेरे चेहरे का अगर मैं एक पार्ट लूँगा, एक हाफ लूँगा, उसको अगर मैंने फ्लिप कर दिया, देन दिस इज़ अ डिफरेंट पर्सन, ये मैं नहीं हूँ, दिस इज़ अ डिफरेंट गाय। फिर अगर मैं दूसरे साइड को फ्लिप करूँगा, देन दिस इज़ अ डिफरेंट गाय। तो आप बोलिए, इन तीनों फेसेस में AI को कैसे पता होगा कि कौन सा फेस मेरा है? वो तो गॉड ने बनाया है, उसको थोड़ी ना पता। अगर उसके पास ये आधा डिटेल है ही नहीं तो उसको कैसे पता है कि उसको ये आधा डिटेल ऐसा होगा? वो AI कभी नहीं सीख पाएगा। वो मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि हम लोग मिलियंस ऑफ ईयर्स में जो एवोल्यूशन अचीव किए हैं, तो वो AI कभी भी अचीव नहीं कर पाएगा। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पुलिस इंस्पेक्टर अरेस्टिंग समवन ऑन द बेसिस ऑफ ए फेशियल रिकंस्ट्रक्शन, वो 100% जाके किसी दूसरे बंदे को अरेस्ट कर सकता है जो इनोसेंट हो भी सकता है। एंड सेम थिंग अगर आप टर्मिनेटर के बारे में बात करेंगे, तो वो भी एनहांस करके जब फेशियल रिकंस्ट्रक्शन करता है, तो देयर आर 99-100% चांसेस कि वो किसी और बंदे को जाके मार देगा। क्योंकि जब कोरोना आया था, लोग मास्क पहनना शुरू कर दिए थे, तभी एप्पल का फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम फेल हो गया था। तो वही बात है कि ह्यूमन फेसेस आर वेरी ट्रिकी। आप देखिए, ये दोनों अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, ये दोनों डिफरेंट लोग हैं, ये दोनों भी डिफरेंट लोग हैं। सिर्फ फ्लिप कर देने से कि चेहरा बन जाएगा, वो चीज़ नहीं है। इट्स ईजी, हम लोग फोटोशॉप में तो कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन एक्यूरेटली किसी भी फेस को रिकंस्ट्रक्ट करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आप लोग को ये वीडियो देख के अच्छा लगा, देन प्लीज कॉमेंट। तब मेरे पास और भी बहुत सारे पोस्टर्स हैं, मैं और भी पोस्टर्स की वीडियोज लाते रहूंगा। एंड अगर आप लोग का खुद भी सजेशन है तो आप लोग नीचे दे सकते हो, मैं ऑब्वियसली उन सजेशन के ऊपर ही वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला, देन प्लीज हिट द लाइक बटन। Don't forget to subscribe. This was Shamim. You're watching Kiba Kibi. See you in the next video.